और बता भाई, घरा सब राजी खुशी? सब राजी खुशी भाई, दया है मालिक की। अरे साधु, तू एक रिश्ता बताओ था भाई, उसका के रहा? भाई वो एक काम आया सु, और वो छोरा भी छुट्टी आ रहा से, चाल देखा, जब पसंद आ जा ते वे भी छोरी ने देख जाएंगे, राम ने संजोग मिला रखा होगा तो रिश्ता हो जाएगा। अरे यार देख, मैं भूल गया, एक बार मैं चाह की कया हूं। अरे भाई ना, चाह को नहीं पीऊं, कति भीतरला भरा पड़ा से। अरे एक प्याली चाह में गे मर रहे से तू? अरे ना भाई, कति इच्छा को न्या, और काल चालन की जी में हो तो बता, मैं अगला ने भी उसी हिसाब से जवाब दूं। ना भाई, चलेंगे, बेटी का रिश्ता करना से तो छोरा भी देखना पड़ेगा, उनका घर बार भी देखना पड़ेगा, जब की ताक गजा के बात बढ़ेगी। ठीक है, तो काल की पक्की मानू? हाँ, काल चलेंगे भाई। ठीक से तो समीर भाई, काल आ लूंगा 10 बजे ताई। ठीक से भाई, मैं तो न कति तैयार पाऊंगा। हाँ ठीक से, तो अगला ने भी खबर कर दूसू मैं। हे राम, बेटी का रिश्ता जब अच्छे घर में हो जा तो गंगा जी ना लू, बेटी सुखी तो बाप का जन्म सुखी। हाँ जी साधु, बोलो था। राम राम। राम राम जी, राम राम। हाँ बोलो, मैं थारा ही फोन की बात देख रही थी, के रहा? चिंता ना करो जी, कल आऊंगा छोरी के बाप ने लिख के। ठीक से, कल जियो। कितने बजे तक आ लोगा? 12:30 बजे तक पहुंच लेंगे। अच्छा तो राम राम, मैं तैयारी कर लियो सुकाल की। अच्छा जी, राम राम। एक बार तो छोरी के बाबू ने ले तो आ, फिर छोरी छोरी नहीं उसके बाबू के धन्ने भी खींच लाऊंगी, या बात जाके उनके बाबू ने बताऊंगी। साधु कथी टाइम पा लिया, कथी बाट नहीं दिखाई है। साधु तू अगली सीट पे बैठ जा। ना भाई, गैलरी पे बैठेंगे, बात करते चलेंगे। या भी ठीक है भाई, आ जा। हाँ चल बेटा। अरे साधु। हाँ भाई। घर बार खानदान तो ठीक से? भाई सब कुछ ठीक से, छोरा BSF में सब इंस्पेक्टर लाग रहा से। भाई सब इंस्पेक्टर तो ठीक से, उनकी कदे मुंह पाड़े डिमांड गणी हो, देख मेरा इतना ब्योंत ना से। भाई चिंता ना करे, सारी बात खोल के कर लेंगे, जे समझ में आ गया तो रिश्ता कर लेंगे, ना ते डाल। भाई यह बात भी ठीक से। अरे न्यू क्या आ गए, सू सू करना, इतने सुसरी कह दे, बात बनगी तो ठीक, ना तो वे अपने घर आ रहा, हम अपने घर। हाँ ठीक से भाई। हाँ और के? और आजा समीर भाई। चल भाई साधु, यो से घर। हाँ भाई, कर बार तो अच्छा लाग गए से। देखो जी, मेरे छोरा पसंद से, इबाप देखो मेरी बेटी ने कद देखना होगे। चौधरी साहब, जो थारा छोरा पसंद से तो हम तो कल ले आ जाऊंगा। जब हमारा छोरी पसंद आ गई तो हम कल रिश्ता पक्का कर देंगे जी। भाई बहुत बढ़िया, चट मंगनी पट ब्याह। यह बात तो ठीक से जी, और तो सारी बात होली, पर मेरा घना सा ब्योंत ना है, कदे काल ने थारी कोई डिमांड हो। हाँ जी, या बात अपनी पहले ही सोच लियो। ना जी, मारी कोई डिमांड को ना, हम तो 1 रुपया को ब्याह करांगा, पर अपनी बेटी ने कौन बाप सुखी कर दे से। ना जी, ब्याह तो मैं अपनी ओर तो बढ़िया ही करूंगा, पर डिमांड पूरी करने की हिम्मत ना से। एक दो मुर्गी फंस जाएगी तो डिमांड तो मैं पूरी करा जानो सु। अच्छा जी, राम राम।
फिर कल आओ सो ना आप। हाँ कल ही आ जाऊंगा। आ जा तो भाई सुमेर। अच्छा जी राम राम। राम राम जी। आए माँ यो क्या करो तुमने? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, जयकर पे तो ब्याह करोगा तो मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? बेटा मनो तावड़ो ना होए, एक बारी रिश्ता हो जान दे, फिर अपन जो चाहूंगा वही करना पड़ेगा ना। हाँ टाइम पैसे आठ लगा देंगा, जो मांगांगा ना वो ही देगा वो। मने करेटा चाहिए माँ ब्याह में। चिंता ना करे, इस घर में करेटा ही आओगी, जा आराम कर ले। देखियो माँ कदे दही के चक्कर में कपास खा जाओ। हे भगवान ये बावड़ा रह गया छोरा। तेरा कौन समझ मावे, चल तर मैं समझाऊंगी। हाँ जी भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अरे राजेश बेटा। हाँ बाबू। बेटा वे छोरे आले आन हो रहे से, तूने अपनी तैयारी तो पूरी कर रखी होगी ना? बाबू चिंता मत करे, मन्ना तो सारा काम फिट कर रखा से गति। देख बेटा। हाँ बाबू। घर बार भी अच्छा से, छोरा भी नौकरी लाग रहा से, जे एक बे सूत बैठ गया ना तो अपनी कोमल बेटी राज करेगी गति। ठीक है सर बाबू, हमने तो सबकी मजा चल रहा सर बाबू, ईब तो उन पैसे जीत जी ने देखे पाचे के फैसला ले से। देखो क्या होगा बेटा। हाँ बाकी मैं तो नहीं चाहूँ जे यो काम हो जाए ना तो ठीक हो जाए। ठीक है सर बाबू। राजेश बेटा तू देख ले कोई कमी ना रह जा, और मैं देखूँ कि मैं लेट हो गया वे आए को नहीं ताही। माँ मैंने ब्याह में करेटा गाड़ी मिल लेगी जब बता गांव में छोटी छाती करके चलूंगो, मेरी बात मानना है तो नहीं बा बता दे कि हमने छोटी मोटी गाड़ी ना चाहिए, गाड़ी चाहिए तो करेटा। बेटा समझा कर, ईब तो पहले डिमांड करांगे तो रिश्ता होना मुश्किल हो जाएगा। अरे डट जा गांव बसा कोनी और मंगता पहले आ लिया। चिंता ना करे मौके पर चौका मारेंगे। जा बेटी ये चौधरी साहब हमने तो थारी छोरी पसंद आ गई। चोर रे थारा छोरा हमने भी पसंद से ले भाई, फिर किसका रोड़ा रह गया? हो गया रिश्ता पक्का, इब तो ब्याह करना ही रह गया। ठीक कहो जो भाई साहब, इब तो ब्याह होना बाकी से, इसका मतलब बेटी बाप कैसे। चौधरी चौधरी थारी जै कोई मांग हो ना तो वह इब बता दियो, जै मेरा देन का ब्यों तो होगा मैं हाँ भर लूंगा, ना तो नाट जाऊंगा। या बात मेरा बाबू ठीक है से जी, कदे पक्ष है हमने और मेरी बेबे ने उलाने देते फिरो कि तेरे बाबू ने यो ना दिया वो ना दिया। आगले एक रुपए तो ब्याह करने तैयार से, तुम खाम में खा चिंता मान रहे हो। माँ यो बिचौलिया मरवाओगा। छोरी पसंद से कि नहीं? छोरी तो पसंद से माँ, पर यह एक रुपये वाली बात मन पसंद ना आई। यार रुपये वाली बात तो मैंने भी पसंद को नहीं आई, पर बेटा एक बार रिश्ता हो लें दे फिर पसंद और ना पसंद अपनी ही चलेगी। ठीक है समा, ब्याह तो पहले दिन इसी आट ला देंगे कि जो भी डिमांड रखेंगे ना वो सारी पूरी करनी पड़ेगी इन्हें। ठीक से ये बापा चलने की तैयारी करा, अरे मैं एक बार छोरी तौर बतला लूँ अलग से। तू एक काम और कर दे माँ, वो छोरी का नंबर ले लिए, मैं उसके थ्रू सारी डिमांड पूरी करवा लूंगा मैं बात करके। मारा छोरा पसंद से अंदर है ले बेटी, इसमें मैं अपना नंबर लिख दे, मैं तो तब ला लिया करूंगी जब मेरा जी करेगा। ठीक सर बेटी, राजी रहिए ध्यान रखिए। अच्छा के जय मात।
आपका सेवा पानी में कोई कमी रह गई हो तो हमने माफ कर दियो। चौधरी साहब तू की जा साधु आजा बैठेंगे बात करेंगे। अच्छा तू चाह बना लिया ठीक काम हो गया। हाँ तू होका भर लिया भाई ठीक हो गया सुमेर भाई। अरे बैठ ठीक हो गया भाई सब सुख शांति तो निमट गया बस यो ही चाहिए। एक कोमल बैठ बेटा। हाँ बाबू। बेटी छोरा तो तेरे पसंद से ना। बाबू एक बाप अपनी बेटी खातिर के गलत करे था बस न्यू है कि ये लालची ना होने चाहिए। वही बात सा बाबू आदमी की उम्र पूरी हो जैसे पर लालच पूरा को ना हो। चिंता ना करे लाडो एक रुपये से ब्याह करने की कह रही से। बाबू मेरी बेबे का ब्याह पूरे रंग चाहता करना से। राजेश बेटा एक रुपये का के आज के दिन की मरेस्ता हो उसे ब्याह तो मैं अपनी लाडो का पूरी धूमधाम से करूंगा। हाँ ये डिमांड पूरी ना कर पाऊं है वह बात उन्होंने कह दी है। ठीक सा बाबू मैं काम कर लूँगा। हाँ बेटी देख ले अपना काम है। ठीक अच्छा बाबू मैं भी चलूँ एक बार खेत में जाना है मना। ठीक अच्छा बेटा जा तू जा मुड़े ले जा ले भाई ले पी पी वांग ले आराम से। माँ यो क्या देखा गयो लग्न में सारे काम में बेइज्जती करा दी किते बैठन जोगो भी ना छोड़या। भाई ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया अपने के लिए। नुकत उका भाई दर फोन मिला। हेलो राजेश हाँ जी जी यो सामान किसने खरीदो से? सामान कौन सा सामान? ये सोफा बेड कुर्सी यो तो जीजा जी घर पे बनवाया से। और नहीं मिल सके थे को सुतरा सा ये टूटे फूटे मारे जब मैं आओ थे के देने के बताऊं जीजा जी बेबे ने अपनी पसंद का बनवाया से। के इस आयतरी बेबे ने बेरस हुए मारी गेल तो घना बड़ा धोखा कर दियो। माँ कसम राजेश आत्मा रो रही सकती इतना दुख नहीं देखा जागा। ले मा करो बात। हाँ राजेश तुम तो यहाँ तरह कर रहे हो जरा छोरी थारी को नहीं धक्का दे रहे सोगा जी तुम तो इसने हैं जिन था ब्यो तो नहीं था तारे घर की गुंजाइश ना थी तो क्यों देखो तो नौकरी वाला बैर इतने किसी भिखारी गेल। इस हिसाब से मौसी थम तो भिखारियां तभी के गुजरे सो भिखारी एक रुपया लेकर ने अरे करोड़ा की दुआ देस है थार तो इतना सामान दे दिया फिर भी थारा पेटा ना भरया थम तो नंगर सो नंगर। बात सुन ले राजेश घना तो बोलना मत ना अरे न्यू हाँ हमने तो छाती में मुक्का मार लिया ठीक से। अरे के बात होगी राजेश क्यों गुस्से मारे ऐसे? बाबू गलत आदमी में तो पाला पड़ गया ये तो एक नंबर के घटिया लोभी और लालची से हैं। अरे क्या कर रहे हो तुमने? क्या कर रहे हो बता। यो सामान दियो से कम है। सामान में क्या कमी से त्या घर पर अपनी आँखा आगे बनवाया से। हाँ बनवाया से करने लग है कि ते सेकंड हैंड खरीद कर दियो से। और गाड़ी का क्या रहे हो? यो गाड़ी गाड़ी का क्या जिकर से? मने करेटा की कही थी तेरे ते या जो गाड़ी दई से इसमें क्या कमी से? मेरी बात सुन लो मैं सब इंस्पेक्टर अरे रुपये कमाऊ सो 70,000 इसी छोटी मोटी गाड़ी तो मैं अपने घर के बाहर नहीं बिना खड़ी होने दूँ चलाने की तो बात बहुत दूर से। तो बात सुन इसे टुच्चे गला मैं भी ब्याह ना करवाऊँ माँ बेटा दोनों कटोरा ले लो और भीख मांगने लग जाओ आया सबड़ा 70,000 आला।
मैं तो बापू ना जाकर साफ कह दूंगी, मैं कोनी ब्याह करवाऊं इस गल्ला चोर। मैं तुम दोनों ना कहूं था जब के पाला खोल कर लियो, जब तो ना बेटा रुपया की तू कह करे से खूब दींगा दे दिया हूँ गाइब। अरे के बेरो थो नो दे राम रखेंगे या सारी स्थिति सूझ बिचोली गोरी से सोची तो नू थी अकब्या तो पहले दाब दे देंगे फिर जो कहोगे वो ही करेंगे अपनी इज्जत बचान खातर, पर वह तो सिर ना आओ से मारी सुनी ना रहा। सुन लेगा जब बरात टेम पर ना पहुंचेंगी, वो तो हाथ भी जोड़ेगा। मैं सब इंस्पेक्टर लाग रहा हूँ, मन्ने न्यू बेरा से प्रेशर क्यों कर बनाया जा से। अरे देखे कदे बात उल्टी पड़ जा, जब सीधी आंगली तक गीना निकले ना तो आंगली टेढ़ी करनी पड़ा है समझा। जब रात नहीं आई ना काम में बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैं क्यों करबू दिखाऊंगा काम में। नू क्यों कैसे बाबू, और मुंह तो खाने ने बता अपना के कसूर से अपा ने के करया था। और बाबू घना बढ़िया हो गया बरात ना आई था, मैं तो पहले ही नाटकी थी अखी से दहेज लो पिया गया छोरी दे देता बाबू तू। या बाबू ये तो घना बढ़िया हो गया कि इनका पांडा पहला ही फूट गया, ईसा का जाना था जिंदगी बर्बाद करना था, सारी जिंदगी का दुख हो जाए इतनी लाडो ने। ठीक कैसे बाबू बेबे, शुक्र से उन्होंने अपना रंग पहले दिखा दिया। उतना अपना रंग दिखाया से मैं अपना रंग दिखाऊंगा ताकि उनके साथ साथ देश के लोग आगे सबका कर लग गए। अच्छा तुम्हें बता रिकॉर्डिंग सेव से ना। हाँ बाबू। ठीक से चल आज पंचायत कराएंगे और फिर उस तो पाचा पुलिस में रिपोर्ट देंगे। चल बाबू। माँ ये माँ चारा हो गया कथी बाबू चारा हो गया। कुछ ना होया चिंता ना करे ठीक हो गया अपने घर ना आई भूखे घर की नीब अपने बेटे का रिश्ता मेरे घर में करूंगी और छोरे वाला ना पहला ही कह दूंगी मारे छोरे ने करेटा छी। ना माना करेटा का ना मना ले पापा ने तो उन तो बात करी थी ना उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली और वो वायरल होगी सारे काम में चर्चा चल रही अपनी रिपोर्ट भी दे दी बाबू। अरे वे तो बड़े धोखेबाज और चालबाज निकले। इब के करेंगे तुमने कुछ ना करना, जो भी करेगा कानून करेगा, यो समाज करेगा, धोखेबाज चालबाज वे नहीं तुम सो। एक बाप अपनी बाड़ी पोषी संस्कारी बेटी तुमने देने लग रहा था, पर तुमने बहू नहीं करेटा चावती। सब इंस्पेक्टर साहब करेटा तो नहीं इनोवा लग रही है पुलिस की। बाज ले बेटा चलो। अच्छा यो कौन भागने देगा, चलो बैठो गाड़ी में लेके चलो थाने को। ऐसा काम मत करो। तुमने क्या काम किया है, शर्म आती है बेशरम। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, 70,000 रुपए लेता हूँ। सब इंस्पेक्टर देश की सेवा के लिए होता है, क्रेटा लेने के लिए नहीं। गलती होगी साहब मारे से। गलती नहीं गुस्ताखी है। तुम जैसे दहेज लोभी हो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे एक समाज में एक मैसेज जाए। आगे से कोई क्रेटा तो क्या एक साइकिल की भी डिमांड नहीं करे। साहब सुनो तो सर, अब जो कुछ कहना है कोर्ट में कहना चल के। हवलदार गिरफ्तार करो इनको। हाँ जनाब। करेटा तो ना मिली, इनोवा में बैठी जेल किया हुआ था। चलो मैं मन ना चाहिए करेटा। अलग से इनविटेशन नहीं आएगा। बता ले।
राम राम जी। एक इस छोटे से एक नाटक के माध्यम से आपको ये शिक्षा देने की कोशिश की है, समाज को जागरूक करने की कोशिश की है। दोस्तों, हमारे समाज के अंदर एक दहेज लोभियों ने ऐसी कुप्रथा चला रखी है कि वो हमारे समाज को, हमारे पूरे के पूरे भारत को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, अभी एक ऐसा ही हमारे सबके सामने एक वाकया आया था और हमने उसी को एक फिल्म के द्वारा आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। दोस्तों, हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, और दहेज के लालचियों को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको अपने हशर का नहीं पता, तो वो उन इनका असर देख लो। और फिल्म पसंद आ गई हो तो इसमें लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दियो, और हमारा काम किसा लग गया कमेंट में बता दियो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।